मुंबई क्राइम पेज ने आज जो कवरेज किया है, कवरेज एक बैंक के खिलाफ है। किस तरह बैंक वाले ने मेरे सामने कैमरे के जो है नितिन नाम है उनका, उनके साथ किस तरह से लापरवाही की, उसका एक एग्जांपल है। उसका एक एग्जांपल आज आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। नितिन बताइए, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ हुआ था कि मेरा जो बटवा चोरी हो गया था ट्रेन में, तो मैंने मेरा तीनों भी एटीएम कार्ड घूम गया था, मेरा आधार कार्ड सॉरी पैन कार्ड और बहुत सारा लाइसेंस, मेरा लाइसेंस था, तो मेरा SBI का बैंक, कोटक महिंद्रा का बैंक का कार्ड और महिंद्रा बैंक। ये बैंक कहाँ है? ये बैंक सोनापुर में है। पूरा एड्रेस बताइए। पोर्ट में भी है इसका ब्रांच। हाँ, और दूसरा है सोनापुर में भी है इसका ब्रांच। हाँ, तो सोनापुर में मैं कंप्लेंट किया था नवंबर 2 तारीख को। हाँ, कि मेरा ऐसा ऐसा पर्स हो गया है, और उन्होंने बोला कि मेरे को पूछा था मेरे को, तो मैंने बोला कि मेरा ATM कार्ड घूम गया है कोटक महिंद्रा का, तो आपके पास मैं कंप्लेंट करने आया हूँ। तो उन लोगों ने मेरा कंप्लेंट एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने मुझे दो महीना अभी नवंबर दिसंबर और जनवरी, तो मेरे को नवंबर में मेरे को इसका पेमेंट हो गया, जनवरी में 8 तारीख को मेरे को इसका पेमेंट आ गया बैंक से। और इन्होंने इतना गलती किया है कि एखादे आदमी को इतना तरसाना नहीं चाहिए कि बोल रहे हैं कि 2 महीना में मैं आपको पेमेंट करूंगी, लेकिन वहाँ पे जो सर थे, जगदीश सर, सरला मैडम, इन लोगों ने क्या बोला था कि आपको पेमेंट हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, लेकिन इतनी परवाह मिस नहीं करना चाहिए उन्होंने कि मेरा पेमेंट रुका देना चाहिए था। अब जो भी है, एक हफ्ते में डिसीजन लेके पेमेंट करना चाहिए था उन्होंने। ये बहुत बड़ी गलती की उन्होंने कि एखादे आदमी का आशा रहता है कि उनका पैसा जाएगा। देखिए नितिन, एक बात सुनिए आप, जब भी आपका ATM जो था, आपका जो डेबिट कार्ड है वो ATM, वो खो गया था, उसके आपने नेक्स्ट डे को आपने कंप्लेंट किया था बैंक में जाके? हाँ, नेक्स्ट डे किया था। और जो ये आपका पैसा है वो कौन से डे में निकला? नेक्स्ट डे, वो जो आपने कंप्लेंट के दिन के बाद निकला? हाँ, कंप्लेंट की उसके दिन के बाद निकला वो पैसा। दर्शकों, मैं ये जो कवरेज आज आप लोगों के सामने जो प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका कारण ही यही है कि देखिए किस तरह बैंक वाले आपसी तालमेल बनाकर किस तरह जनता के हक के पैसे को ये अपनी सोच या अपनी लापरवाही से या इनके अपने कोई तरीके हैं, उनके माध्यम से ये जनता का पैसे निकाल लेते हैं। कोटक महिंद्रा एक ऐसा नाम है, ऐसे बैंक का नाम है जो एक विश्वास का प्रतीक है। अगर कुछ अधिकारी इस तरह का अगर लापरवाही करके अगर उसके कस्टमरों को वो इस तरह का सर्विस दे रहे हैं, तो निश्चित ही ये एक संकेत है आने वाले दिन के लिए इस बैंक के खिलाफ। जब हमारी टीम जब ये संजय जायसवाल जो वहाँ के ब्रांच मैनेजर है उनसे बात किए, तो उन्होंने भी कबूल किया था कि हाँ, ये हमारे यहाँ से गलती हुई है और वो गलती के भुगतान के तौर पे हम वो पैसा रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन एक आदमी को आप इस लापरवाही से उनके अकाउंट में से पैसे निकाल लेते हैं, कोई एक अनोन आदमी, उसकी तहकीकात भी नहीं बराबर करते हैं, और बाद में 2 महीने के बाद उसे पैसा रिटर्न कर देते हैं। ये बैंक का सर्विस है, बैंक की सर्विस जो इस तरह से लोगों को दे रहे हैं, तो ये आने वाले दिन के लिए एक गलत संकेत जाता है कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। ये बताइए कि मुंबई क्राइम पेज न्यूज़ ने आपकी क्या मदद की इस केस के अंदर? उन्होंने बहुत मुझे मदद की है मेरा पैसा निकालने में। साथ मेरे चौहान साहब भी थे, उन्होंने आए बैंक में, उनसे बैंक मैनेजर से बात की उन्होंने। और कौन से बैंक मैनेजर से बात की, उनका नाम बता सकते हैं आप? जगदीश जायसवाल, नहीं संजय जायसवाल नाम है। संजय जायसवाल। अच्छा, तो देखिए दर्शकों,
आज ये जो कवरेज है उन तमाम बैंकों के लिए एक सबक होगा जो वो लापरवाही करके लोगों के हक का पैसे को इस तरह से बंदरबांट करते हैं। मैं कैमरामैन के साथ वीडियो जर्नलिस्ट वी आर चौहान, मुंबई क्राइम पेज।